भागलपुर की नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर दो समुदाय के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। काफी संख्या में उपद्रवियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मामले को लेकर शांति समिति के सदस्य पप्पू यादव ने कहा कि मामला लड़की छेड़खानी का है, जहां पास के ही इंटर बालिका विद्यालय से पढ़कर आ रही हुसैनाबाद इलाके की छात्रा के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़खानी का प्रयास किया गया था, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया तो बदमाशों ने इलाके के लोगों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी, जिसके बाद देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मोमिन टोला के लोग भी आक्रोशित हो गए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने छेड़खानी कर रहे दो लड़कों को बिजली के खंभे से बांध दिया और पिटाई कर दी। लड़का राघोपुर इलाके का बताया जा रहा है। वहीं लड़के को मार खाता देख 40 की संख्या में उसके समर्थक मौके पर पहुंचे और जमकर पत्थरबाजी की। तभी वहां के लोग अपने अपने घरों में घुस गए। इधर घटना की जानकारी मिलने पर नाथनगर और ललमटिया थाने की पुलिस विशेष CIT टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को देखते ही उपद्रवी मौके से फरार हो गए। हालांकि कुछ देर बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मोमिन टोला के लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस लड़की से पूछताछ कर उपद्रवियों का पता लगाने में जुटी है। हालांकि दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाथनगर रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी कई बार शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस से की है। उन्होंने कहा कि वे लोग कई दशकों से एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। किसी भी उपद्रवी या भ्रम फैलाने वाले लोगों की बात आपसी सौहार्द को नहीं बिगाड़ सकती। पूरे इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय जो यहाँ 1 से 12 वार्ड की लड़की और 14 पंचायत के लड़की यहाँ आती है, तो आज यहाँ के ही नाथनगर की ही लड़की है, दो जा रहा था केबिन के पास, कुछ लड़का छेड़छाड़ किया, उसी में यहाँ के लोग उसको पकड़ के लाया गया और उसको बांधा गया कि भाई इसको चिन्हाते हैं। उसके बाद उधर से भी 20-25 लड़का आके इताब पत्थर चला। उसके बाद प्रशासन हम सब दौड़े तो भाग गया और उसके बाद मामला को शांति है, सारे हमारे जिला शांति समिति प्रशासन के लोग, यहाँ के जितने लोग बुद्धिजीवी हैं और हमारे शांति समिति के लोग हैं लगे हुए हैं, हमारे सारे लोग, चाहे भवेश यादव हो, देवाशीष बनर्जी हो, चाहे सफ़ेउल्ला हो, जुम्मन जी हो, चाहे मानव बाबा हो, चाहे 3 नंबर के चिकू हो, पार्षद हो, निजात अंसारी हो, सारे लोग टीम कैंप करके कि हम दोनों भाई यहाँ भागलपुर नाथनगर में शांति सद्भाव भाईचारा से रहते हैं, कोई भी वो सामाजिक तत्व इसको बिगाड़ नहीं सकता है, कोई भी वो सामाजिक तत्व नज़र उठाएगा तो हम तब उसको कुचलने का भी काम करेंगे। ये हमारा भाईचारा जो प्रेम है और सब दिन रहेगा और हमारा इतिहास रहा है 89 के बाद आप भागलपुर नाथनगर शांति सद्भाव भाईचारा के लिए क्या बात है। तो आए हैं लोग तब तक तो यहाँ के शांति समिति के जो भी मेंबर थे सारे आदमी शांत कर चुके हैं, फोर्स वगैरह सब जगह प्रतिनियुक्त ही हैं, मामला शांत है। अभी सुनने में आया कि लड़की थाना में गई है पहचानने के लिए कि कौन छेड़ा है उसको, अभी माहौल शांत है। पथराव भी हुआ है? हाँ, पथराव का तो मैसेज था, अभी हम लोग देखे हैं थोड़ा बहुत ईंट वगैरह गिरा हुआ है, अभी शांति। हाँ, शांति। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून लुक्स सलून। लुक्स सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक्स सलून अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक्स सलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। पवित्र सावन महीने में सुल्तानगंज से लगातार कांवरियों का जत्था वैद्यनाथ धाम जा रहा है। अमूमन कांवरियां पैदल या दौड़ते हुए या फिर दंड देते हुए जाते हैं, लेकिन सुल्तानगंज के कच्ची कांवरिया पथ पर एक कांवरिया ऐसा दिखा जो काफी कष्टप्रद यात्रा कर रहे हैं।
दरअसल समस्तीपुर के निहाल सिंह बिच्छू बम बनकर जा रहे हैं। बिच्छू की तरह हाथ के बल वो सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम की 105 किलोमीटर की दूरी तय करने निकल चुके हैं। इनका हाथ नीचे पैर ऊपर रहता है और इस तरह एक बार में वो 100 मीटर ही चल पाते हैं। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद हाथ के बल आगे बढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें वैद्यनाथ धाम पहुंचने में एक महीने से अधिक का वक्त लग सकता है। रास्ते में लोग उन्हें बिच्छू बम के नाम से पुकारते हैं। जब निहाल सिंह से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 7 साल पहले पिताजी की तबीयत बिगड़ी थी, IGIMS पटना में भर्ती थे। उस वक्त हमने महादेव से कामना की थी, पिताजी अगर स्वस्थ होते हैं तो सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम दंड देते हुए जाएंगे। अस्पताल में थोड़ी ही देर बाद से पिताजी की तबीयत में सुधार होने लगा, जिसके बाद वो कई बार दंड देते हुए वैद्यनाथ धाम गए। फिर भी महादेव के प्रति बहुत आस्था है, इसलिए इस बार बिच्छू की तरह जा रहे हैं। महादेव ने हमें सब कुछ दे दिया है। ये हम सहरसा से आए हैं, अतापुर कुंडल मेरा घर हुआ जो समस्तीपुर में पड़ता है। क्या बन के जा रहे हैं? हम शिव के श्रृंगार के रूप में जा रहे हैं। शिव जी कान में बिच्छू बांधते हैं कुंडल में, तो उन्हीं के रूप में हम जा रहे हैं। बिच्छू बन के अपने हाथों पे चलते हुए बाबा का रास्ता जा रहे हैं। पहले भी गए? जी पहले नहीं गए, मैं पहली बार जा रहा हूँ, प्रथम बार जा रहा हूँ। तो परेशानी नहीं होगी क्योंकि पैर ऊपर हाथ पे चलना तो कहीं ना कहीं रास्ते? जी हाँ परेशानी है, लेकिन इतना कष्ट नहीं जितना बाबा से प्रेम है। बाबा के प्रेम के सामने ये कष्ट तो कुछ भी नहीं, ज्यादा उठाने के लिए तैयार है। बाबा से इतना प्रेम कैसे? बाबा से प्रेम क्योंकि जब हम इंटर में पढ़ते थे तब मेरे पिताजी बहुत बीमार पड़ गए थे। उनका लीवर में प्रॉब्लम हो गया था, डॉक्टर तो वहाँ खड़ा कर दिया था। पटना में IGMS में वो एडमिट थे, उनकी बचने की संभावना नहीं थी। तो तभी हमने बाबा से गुहार लगाया जो बाबा मैं दंडवत आऊँगा। तभी मैं दंड प्रणाम को जानता भी नहीं था। मैं दंडवत आऊँगा बाबा, मेरे पिताजी को आप रख दीजिए, बचा दीजिए, उनको जीवन दान दे दीजिए। तो बाबा ने मेरे सुने और 15 मिनट में ही अस्पताल में पूरा मूसलाधार बारिश हुआ और बाबा लगा जैसे बाबा मेरा बात सुन लिए। सुबह जो मेरे पिताजी को ICU में एडमिट करना था इमरजेंसी से, वो मेरे पिताजी एकदम चल रहे थे और हाँ अब वो स्वस्थ हैं। उसके बाद मैं आज से 4 साल पहले हम दंडवत करते हुए बाबा के पास गए एक बार करके, फिर दूसरा बार फिर गए एक बार करते हुए, तीसरा बार फिर गए एक बार करते हुए, फिर उसके बाद पिछले साल 5 बार दंडवत करते हुए गए हैं बाबा के पास। एक साल में 5 बार? नहीं एक ही बार में 5 बार, जिस तरह जैसे यहाँ से वहाँ तक की दूरी हम एक बार तय किए, फिर 2 बार तय किए, फिर 3 बार तय किए, फिर 4 बार तय किए, फिर 5 बार तय किए। 5 साल आप दंड दिए? हाँ 5 साल दंड दिए और वो 5 दंडवत में हमको करीब 7 महीना लगा पहुँचने में। इस बार? हाँ इस बार फिर हाँ बाबा से प्रेरणा मिला तो इस तरह बाबा के श्रृंगार के रूप में हम जा रहे हैं, बिच्छू के रूप में। हाँ पिताजी के लिए ही था, वो पूरा हो गया, अब तो बस बाबा के प्रेम में बहे जा रहे हैं जिस तरह बाबा बहाए जा रहे हैं। कब तक पहुँच जाएंगे, क्या उम्मीद? उम्मीद तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, बाबा के रास्ते में पल में कुछ हो सकता है। इस रास्ते में हम गर्मी के दिनों में उस तेज धूप में हम कुहासा देखे हैं, एकदम कैलाश बना हुआ था रास्ता, तो ये रास्ता बाबा का रास्ता है, बाबा की पूरा मानता है। मेरा नाम निहाल सिंह हुआ। भागलपुर में एक युवती को उसके ममेरे भाई ने पहले प्रेम जाल में फंसाया और प्रेम विवाह कर जब दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो युवक ने उस महिला को घर से बेदखल कर वापस अपने मायके भेज दिया। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले 5 वर्षों से एक महिला अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना झेल रही है। उक्त महिला का कहना है कि उसने अपने ममेरे भाई के साथ प्रेम विवाह रचाया था और शादी के 1 साल पश्चात पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसे घर से चले जाने को कहा। पीड़ित महिला ने अपनी पहचान सुल्तानगंज के इस्लामपुर निवासी मोहम्मद नसीम अंसारी की 25 वर्षीय पुत्री नेहा खातून बताया है। मामले को लेकर पीड़ित युवती का कहना है कि 6 वर्ष पूर्व उसे बिहपुर निवासी मोहम्मद मुजीबुर रहमान के 34 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शहबाज के साथ प्रेम हो गया था। दोनों रिश्ते में ममेरे फुफेरे भाई बहन लगते हैं और दोनों ने अपने अपने परिजनों को शादी की इच्छा जाहिर की। हालांकि दोनों परिवार के लोग शादी को लेकर रजामंदी देने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में दोनों ने अपनी मनमर्जी से निकाह कर लिया। हम यहाँ नहीं रहने देंगे और पैसा कुछ डिमांड करता है क्योंकि शादी मेरा मैरिज हुआ है, इसीलिए दहेज के लिए भी सास ससुर भी बोलते हैं कि पैसा लाओ, भैंसुर भी बोलता है और लड़का को यही कान भरते रहता है यही सब के विषय में। शादी कब हुई थी? 16 में। 2016 में जी। अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? लव मैरिज ही। किस लड़के से हुई तुम्हारी शादी, क्या नाम है? मोहम्मद शहबाज। कहाँ का रहने वाला?
बीपुर, थाना बीपुर है, ग्राम सौरी। इस पर सहवाज का आपके पति का क्या कहना है, जो प्रताड़ित किया जा रहा है आपको, पति क्या कह रहे हैं? वो मार पीट करते हैं और मतलब धमकी भी, और एक बात और है कि धमकी शादी ब्याह का भी करने का देता है वो, कि हम शादी दूसरा कर लेंगे ये वो, यानी पति भी घर वालों के साथ साथ ही मिल गया हुआ है। पीड़िता ने बताया कि शादी के एक वर्ष पूर्व ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे, जब वो 3 माह की गर्भवती थी और दहेज नहीं दे पाने पर उसके साथ बेरहमी से पिटाई भी करने लगे। महिला ने अपने जेठ मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद खुर्शीद, देवर गुलजार, सास अनवरी खातून पर उसके साथ गले में फंदा डालकर हत्या करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। जिसके बाद पीड़िता नेहा अपने माता पिता के घर इस्लाम नगर चली गई। उसके पिता ने बताया कि वो टोटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं और ससुराल वालों द्वारा उनकी बेटी के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार करने से वो काफी चिंतित है। उन्होंने कहा कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बावजूद इसके वो अपनी बेटी और उसके 5 वर्षीय पुत्र का पालन करते हैं, जबकि वो नेहा के ससुराल वालों की हर मांग पूरी करने को तैयार हैं, लेकिन कहते हैं कि कहीं ससुराल वाले पैसे दे देने के बावजूद उनकी बेटी की हत्या न करते। गौरतलब है कि पीड़ित परिजन के द्वारा 5 वर्ष पूर्व में कोर्ट के माध्यम से लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन उनका कहना है कि मामले के संदर्भ में किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई। जबकि बीते दिनों वे लोग थाना भी गए थे तो उनका आवेदन दर्ज करा लिया गया, लेकिन लड़की के ससुराल वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेहा के पिता मोहम्मद नसीम ने बताया कि जब वे मामले की पूछताछ करने थाने में गए तो उन्हें टाल मटोल कर जवाब दिया जाता था। पुलिस वालों ने कहा कि यह मसला पुलिस जिला नौगछिया अंतर्गत बिहपुर थाना क्षेत्र का है, रिपोर्ट वहां भेज दी गई है, मामले का सुलह वहीं हो पाएगा। पीड़ित ने केस के आईओ मोहम्मद सईद पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कभी भी थाने में अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो आईओ फटकार लगाते हुए उसे चले जाने को कहते हैं। उनका कहना है कि लड़का दिल्ली में रह रहा है, अगर युवती को ससुराल में रहना है तो वो खुद से ही चली जाए। जबकि पीड़ित परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा है कि बिना बांड भराए वे लोग नेहा को उसके ससुराल लेते जाएंगे तो कल को उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा। इस संदर्भ में पीड़िता अपने पिता के साथ एसएसपी आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने एसएसपी से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई, जबकि लड़का किसी तरह से भी अपनी पत्नी और बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं है। समस्या है सर कि मेरी बच्ची है नेहा खातून, इसके ये मेरे भांजा के साथ ही लव मैरिज किया, तो उसको भी मैंने बर्दाश्त किया, चलो जब कर लिया है बच्चा, गलती किया तो अच्छा से रहे, तो वो खुशी से किया तो दोनों खुश रहे, हम इसको नज़रअंदाज कर दिए, बोले ठीक है तुम दोनों बाबू अच्छे से रहो खाओ। तो देखें सर, 6 महीना के बाद इसको ले कर बाहर चला गया था, कहीं भाग गया था, वहाँ से ही लोग जब लौटे 6-7 महीना के बाद तो इनको मारा पीटा, मारा पीटा तो बच्ची खुद मेरे घर अकेली आई, आई तो हम अपना घर चढ़ाए, मेरा बच्चा है तो ज़रूर चढ़ाएंगे, तो चढ़ाए उसके बाद रखने लगे, बाल बच्चा भी यहीं हुआ, लड़का पैदा हुआ, उसके बाद उन लोगों को समझा बुझा के इनको फिर भेजे और उसको भी कि ले जाओ फिर खिलाओ, तुम्हारा परिवार जहाँ रखो रखो, वहाँ लेके गया। उसके बाद इसको फिर प्रताड़ना सब मिल के शुरू कर दिया कि इसको ऐसे ऐसे हम मारकूट, इसका बाप पैसा देगा ना तब तुमको रहने देंगे, लड़का भी माँ बाप भाई के कहने पर सब घुल मिल गया, और जैसे जैसे उसका गार्जियन करता है वैसे वैसे लड़का वहाँ से हमको गाली मोबाइल पे चैलेंज करता है, गंदा गंदा बात बोलता है और बोलता है बेटी को ऐसे तरपाएंगे, कुछ नहीं देंगे, ना हम तलाक देंगे, ना हम खाना खर्चा देंगे, तरपाएंगे और ऐसे रहेगी। अब क्या आपकी बेटी को साथ में नहीं रखना चाहता है? वो रखना उसका ना मर्जी, वो अभी जब पढ़ता है कुछ दोस्त वो बोलता है मुँह से मौखिक में कि हम उसको रखेंगे, हम कहाँ छोड़ते हैं सर, बाद में फ़ोन हमको करता है कि तुम हमको ऐसा सोचते हो क्या कि हम फंस जाएंगे, ऐसे रहेंगे। तो हम बोलते हैं हाँ बाबू इसको कमाओ खिलाओ घर पर रखो, ले जा आराम से, वो भी नहीं, जब बहन को बहनों को। कितने साल से आपकी बेटी रह रही है? मेरे यहाँ 5 साल से हम इसको खिला रहे हैं, बच्चे को इतना बड़ा किए हैं, जितना भी देख रहे हैं बच्चा, इस बच्चे को 5 साल से हम इतना बड़ा किए। पति कोई खर्च वगैरह? पति कुछ नहीं। पुलिस क्या सहयोग कर रही है? पुलिस जब थाना हम गए तो थाना बोलता है कि ये मामला वहाँ का है बिहपुर का, तुम बिहपुर या जाओ या नौगछिया जाओ, हम लोग यहाँ से जाएंगे पकड़ने, भाग जाएगा। तो सर हम लोग गरीब आदमी हैं तो हम कहाँ कहाँ नाचे फिरेंगे, हर जगह थाना से यही बात बोलते हैं, तो हम इसीलिए
आए हर जगह चिट्ठी दे करके कल वाला तो आए यहाँ थाना महोदय को, थाना महोदय हमको बुलाए फोन करके, हम गए बोला हाँ सर तो क्या चाहते हो, बोलिए जो उचित है सर इस पर कार्रवाई कीजिए जब लेटर आया है तो तू बोलता है कि ऐसा ऐसा वहाँ करो यहाँ करो ठीक है तुम हमको पूछ के बोलो। तो बोला लड़का तुमसे बात करता है नंबर है क्या, कहिए हाँ हम बात नहीं करते सर गंदा गंदा बात करता है, उसका नंबर है, नंबर लिया वो बात किया तो वो सब जो जो बोल रहे हैं उसका भैंसूर का भी नंबर लिया मंगा मेरे से दिए, उस सब से बात करके उसके बाद हमको फ़ोन किया बोला कि लड़का तो दिल्ली में है सब पता कर लिए हैं कमा रहा है लड़का, लड़की को तुम जहाँ चाहेगा वहीं रखेगा रहेगी क्यों नहीं रहेगी। तो हम बोला ठीक है सर आप ही हैं माए बाप उनको सबके गार्जियन को बुला लीजिए सब परिवार को तो एक बॉन्ड बना के ले जाइए, अगर हम कुछ दोषी हैं तो मेरा भी बॉन्ड बना लीजिए। तो बोलता है कि तुम्हारा हम परिवार है रे तुम ही हमको सिखाएगा। आप इसने कह रहा था ये बात कौन कह रहा था? आयो साहब फोन पे हाँ सुल्तानगंज थाना उनका सईद खान है ये सारी बताइए जी हमको रात पे फोन किया तुम्हारी बेटी को फोन लगाते हैं तो उठाता नहीं है कहाँ कौन दुनिया में तुम्हारी बेटी रहता है रे रात में फोन भी करते हैं। हाँ रात में फोन किया था 9 बजे 9:30 बजे यही आसपास में तो क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे का इंसाफ हो जो उचित हो मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दे। अगला समझौता करने के लिए तैयार है क्या? अगला मुंह पे ऐसे किसी को बोलता है लेकिन यहाँ आने से कोई नहीं आता है ना समझौता करने आता है, इसलिए मेरा आवेदन है अनुरोध है कि प्रशासन द्वारा उन सबको बुला करके यहाँ ला करके इसका कुछ भी उचित हो। भागलपुर नगर निगम में आए दिन आपको विवाद देखने को मिलेगा, कभी सफाई कर्मियों का तो कभी कर्मचारियों का तो कभी वार्ड पार्षदों का तो कभी महापौर उप महापौर का। हालांकि यह प्रदर्शन कहीं न कहीं आमजन को फायदा पहुंचाता है तो कहीं न कहीं आमजन को नुकसान भी पहुंचाता है। आज नगर निगम के नगर आयुक्त और नगर निगम के पदाधिकारियों पर 1.25 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम वार्ड नंबर 42 के पार्षद सरजुग शाह लगाते दिखे। उन्होंने इससे पहले भी नगर आयुक्त के खिलाफ घोटाले की बात कही है। वार्ड नंबर 42 के पार्षद सरजुग शाह का कहना है कि सफाई के नाम पर भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त और नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत से 1.25 करोड़ रुपए निकासी कर लिए गए हैं, जिसमें ना तो आधार कार्ड लिए गए हैं और ना ही किसी को इस राशि की जानकारी दी गई है। अगर सफाई के नाम पर एक वार्ड में 1 लाख रुपए भी खर्च होते हैं तो पूरे भागलपुर में 52 लाख रुपए खर्च होंगे न कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, यह कहीं न कहीं घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। वहीं उन्होंने आक्रोशित मुद्रा में कहा इस पर सीबीआई की जांच हो और घोटालेबाज के ऊपर कार्रवाई हो, जब तक जांच नहीं होगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। मामला ये है कि ये सफाई कर्मी जो गैंग का जो लेबर लगा ना इसमें हमको जैसा अंदाज लग रहा है कि बहुत समस्या है। समस्या क्या है, 1 से 1.25 करोड़ रुपया का जो है निकासी हुआ है मतलब नगद, जबकि एक वार्ड में यदि 200 भी लेबर देता है तो 1 लाख रुपया होता है, तो इस लेकर के उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। 51 वार्ड है तो 51 लाख 75 लाख, लेकिन इस 1.25 करोड़ रुपया का जो है नियम संगत ही जो घोटाला है और इस पर मेरा यही है इसको जांच कराया जाए। जांच यदि नहीं होता है तब इसके लिए हम जो है कौन कौन किया घोटाला इसमें तो नगर आयुक्त महोदय जो है चेक काट के दिए हैं, तब ना अधिक बाबू जो है चेक से निकाले नगद रुपया। कौन कौन शामिल है इसमें? इसमें तो नगर आयुक्त साहब हैं और हमारे स्वास्थ्य का प्रभारी अधित भैया हैं और इसमें कौन कौन है तो पता नहीं है, लेकिन हमको तो दूठों के बारे में मालूम है, काहे कि सब चेक काटे हैं और जो है ये आदित्य भैया जो है पैसा निकाल के बंटे हैं लेबर को। भारी घोटाला है, न आधार कार्ड लिया न पैन कार्ड लिया न बैंक पासबुक लिया, यदि चीज भी ले लेता तो कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले भी पूर्व भी जो है हम लोग जब उस समय नया सेशन में थे उस समय भी ये पता था कि सबका आधार कार्ड लिया जाता है, लेकिन आज तक उसमें भी आधार इसमें भी आधार कार्ड नहीं लिया गया। जब आधार कार्ड नहीं लिया गया आखिर कैसे क्या इससे साबित होगा कि इसको दिया पैसा उसको दिया पैसा, कितना लेबर खटा क्या खटा। मेरा यही कहना है आप मीडिया भाई से कि इसको जांच करा दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कहाँ कहाँ अभी तक कागज दिए हैं आप? हम तो अभी परमंडल आयुक्त को दिए हैं, इसके बाद जो है निगरानी ब्यूरो को दिए हैं, इसके बाद जो है नगर विकास आवास मंत्री को दिए हैं। क्या चाहते हैं नगर आयुक्त चाहते क्या है? बस जाँच हो जाए, हमको कोई दिक्कत है, जाँच हो जाए जो सही है
क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? नहीं होता है तो आगे हम हाईकोर्ट के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि आय से ज्यादा संपत्ति बना लिया है क्या? हाँ। कौन कौन? इसमें तो क्लियर आ रहा है जो कि 1.25 करोड़ रुपया का जो है घोटाला है। इसमें तो जाँच का विषय है ना सर, जाँच जब होगा तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, इसमें दिक्कत कहाँ। ठीक। भागलपुर में टाउन हॉल काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसे तोड़कर स्मार्ट सिटी योजना के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसमें 1000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, कलाकारों के रहने, कार्यक्रम करने, बिजली लाइट के साथ फुल एयर कंडीशन टाउन हॉल लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसमें पहले की एजेंसी काम करने में कुछ हड़बड़ी की थी, जिसे हटाकर 2021 में दूसरी कंपनी को दे दिया गया है और उसने तेजी से काम कर इसे पूरा कर दिया है। आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन भागलपुर में बने अत्याधुनिक टाउन हॉल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कई बिंदुओं पर इंजीनियर, टेक्नीशियन और मेंटेनेंस करने वाले अधिकारियों से वार्ता की। वहीं निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि भागलपुर के लिए एक बेहतरीन टाउन हॉल बनकर तैयार हो गया है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एयर कंडीशन, बिजली, प्रकाश एवं कलाकारों के लिए मूलभूत सुविधाओं से लैस है। वहीं उन्होंने बताया कि पहले पुराना टाउन हॉल काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसे तोड़कर नया टाउन हॉल बनाया गया है। जिस तरह पहले शुल्क लेकर वहां कार्यक्रम किया करते थे, अब भी शुल्क लेकर वहां कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि टाउन हॉल बनकर तैयार है, उम्मीद है 15 अगस्त का कार्यक्रम स्कूली बच्चों के द्वारा कराकर इसकी शुरुआत की जाएगी। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि टाउन हॉल जो यहां बना हुआ था वो बहुत पुराना था और 2021 में ही स्मार्ट सिटी से टेंडर के माध्यम से एजेंसी निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ समस्या आ गई, तकनीकी समस्या आ गई उनके डॉक्यूमेंट्स में, फिर टेंडर करके दोबारा नई एजेंसी को सेलेक्ट किया गया और काम अंतिम चरण में है। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत टाउन हॉल जो कि फुल्ली जो है एसी रहेगा, सेंट्रलाइज्ड एसी रहेगा, दिव्यांगजनों के बैठने की व्यवस्था, महिला पुरुष, ताकि हर एक वर्ग का, चाहे वो स्कूली बच्चे हों या जो स्थानीय कलाकार हों या बाहर से आने वाले जो प्रतिभाशाली जो आर्टिस्ट होते हैं, सबको यहाँ परफॉर्म करने का अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले। 1000 की कैपेसिटी का एक बहुत ही खूबसूरत टाउन हॉल जो है वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही बनकर के तैयार हो जाएगा और 15 अगस्त का इस बार का कार्यक्रम, हम लोग एक जिला स्तर का कार्यक्रम जिसमें मैक्सिमम स्कूली बच्चों का पार्टिसिपेशन होगा, वो हम लोगों का प्रयास है कि इस बार हम लोग इस टाउन हॉल से कराएं। मेंटेनेंस 3 साल तक एजेंसी करेगी, उसके बाद जैसे जिला के माध्यम से पहले भी बुकिंग होती थी और शुल्क लिया जाता था जो गैर सरकारी कार्यक्रम होते थे, उसी हिसाब से एक मैनेजमेंट कमेटी रहेगी और उसी शुल्क से इसका रखरखाव, बिजली का बिल या अन्य जो भी है, अभी तो 3 साल एजेंसी को करना है, एजेंसी इसको मेंटेन करेगी और प्रॉपर इसमें कारपेटिंग वगैरह हो रही है, जो एक अत्याधुनिक टाउन हॉल आप लोग देखे होंगे किसी भी शहर में, उसी तरह का टाउन हॉल यहाँ हम लोगों ने बनवाने का प्रयास किया है और अंतिम चरण में है। 15 अगस्त तक हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो जाएगी। भागलपुर जिले में लगातार गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। एक तरफ जहां कोसी अपने किनारे को बहाने पर आमादा है, तो वहीं गंगा किनारे के गांव में भी कटाव शुरू हो गया है। सबौर प्रखंड के बाबूपुर गांव में गंगा का रूप बिकराल देखने को मिल रहा है। तेज लहरें गांव को काटने के लिए आमादा है। वहीं अब तक कई एकड़ खेतिहर जमीन गंगा की जद में समा चुकी है। किसानों का कहना है कि हम लोगों की पूरी जमीन गंगा में कटकर समा गई है, अब हम लोग मजदूरी करने के लिए विवश हैं। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन की ओर से अब तक कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं किया गया है, जबकि गांव में हर वर्ष बाढ़ आता है और हर साल कटाव होता है। ग्रामीणों की माने तो प्रत्येक दिन गंगा के जलस्तर में 8 से 9 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। एक बार फिर लोगों को गाँव के कटने का डर सताने है। क्या स्थिति है गंगा की? गंगा अभी का तो गंगा से कटाव चल रहा है, पूरा पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है और सरकार कोई चीज का मदद यहाँ करिए नहीं रहा है। आप लोग क्या के बंद करिए नहीं रहा है? खेती भी थी आप लोगों की, सब कट गया और जो बचा है वो भी कटने वाला है। कितना खेत आपका था यहाँ पे? 2 बीघा। 2 बीघा खेत कट गया। हाँ, जो बचा है बस यही 2-4 कट्टा जो बचा है। क्या इस बार बचेगा ये सब? ये सब कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार के कहते हैं कि कटाव बचाइए कि गांव का हम लोग का बगल में है, नहीं होता काम, नहीं हो कोई भी काम नहीं कर रहा है। इंग्लिश में बचाव कर रहा है तो इंग्लिश आउट कटिए रहा है, जो कि दूर से लेना चाहिए, जो कि मुँह पे ले रहा है तो मुँह से बचेगा कभी नहीं बचेगा, DPS से लेगा तभी बचेगा। कैसे खेती करते थे? कर्जा उर्जा लेके? कर्जा लेके खेती करते हैं, लोन भी लिए, लोन भी चुकाए। अब कैसे घर परिवार चला रहे हैं?
ऐसे कमा खोल के चला रहे हैं। भागलपुर की पुलिस लाइन में फेयरवेल समारोह का आयोजन किया गया। सार्जेंट मेजर के शर्मा के नालंदा तबादला हो जाने के बाद आज फेयरवेल का आयोजन किया गया। एसएसपी आनंद कुमार सहित सिटी डीएसपी व पुलिस के अधिकारियों के द्वारा उन्हें अंग वस्त्र व बूके देकर सम्मानित किया गया। वहीं उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया उन्होंने जिले में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन नालंदा पुलिस अकेडमी में जाने के बाद वहां से जो ट्रेंड होकर लोग आएंगे उन्हें भी वो अच्छा ट्रेनिंग देंगे, जिससे राज्य के अलग अलग जगहों पर जो जवान जाएंगे वो उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इनके जाने से लोगों में मायूसी तो जरूर है, लेकिन वो आगे और अच्छा काम करे इसके लिए सभी लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं सार्जेंट मेजर ने भी जिले में लंबे समय तक रहने के बाद कहा कि यहाँ जो लोगों का प्यार मिला है वो भुलाया नहीं जा सकता। फेयरवेल कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग के लोगों के साथ साथ आम लोगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सार्जेंट मेजर के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। भागलपुर में लगभग हम यहाँ 4 साल रहे हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर और प्रचारी प्रवर के रूप में, और अभी ट्रांसफर पुलिस अकाडमी राजगीर में मेरा हो चुका है। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, चाहे शांति समिति हो, यहाँ के मीडिया जो भी बंधु लोग हमारे हैं सब, उन लोग भी बहुत अच्छे हैं। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसा मसला होता था जिससे हम लोग आप लोग से भी लेते थे कोई बात, या जो यहाँ के जनता भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही पुलिस को कोऑपरेट करते रहेंगे, यही हमारा आशा है। हमारे परिचारी प्रवर वो पिछले लगभग 3 साल से यहाँ पर पदस्थापित थे और उनका स्थानांतरण बिहार पुलिस एकेडमी में हुआ है, तो उन्हीं का विदाई समारोह उसमें सभी पुलिस लाइन में पदस्थापित और अगल बगल जो थाने हैं उसमें पदस्थापित पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया और उसमें सभी लोग आए और उनके सुखद भविष्य की कामना की।